संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पत्ता गोभी की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। लहसुन और हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, दो टमाटर इस तरीके से हमने कट कर लिया है, धनिया पत्ती, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मेथी दाना, जीरा। पत्ते गोभी को एक एक पत्ता निकाल करके उसको पहले धो लिया था और फिर इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। आप पत्ता गोभी को जब भी काटे तो उसके एक एक पत्ते को निकाल करके अच्छे से धो ले, इसके बाद इस तरीके से कट करें और नमक स्वाद के अनुसार। चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो गैस पे हमने पैन रख दिया है और गैस ऑन कर लेंगे तेज फ्लेम में और इसमें डाल देंगे तेल। तो हम सरसों का तेल का यूज कर रहे हैं, आप जो तेल खाना पसंद करते हैं वो तेल आप डाल सकते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है तो गैस को हम मंदी कर देंगे और इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था उसे डाल देंगे इसमें। अब डाल देंगे जीरा और मेथी दाना। लहसुन, हरी मिर्च और जो हमने जीरा और मेथी दाना डाला था वो सब पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये प्याज और इसे भी पका लेंगे। प्याज को हम लाल होने तक भून लेंगे। आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, मैं आलू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आलू इसमें नहीं अच्छी लगती है तो नहीं डालते हैं हम पत्ता गोभी में। अगर आपको पसंद है तो आप आलू काट के डाल सकते हैं। जब प्याज इस तरीके से पक जाए तो इसमें डाल देना है पत्ता गोभी। तो हमने इसको पहले ही धो लिया था तो इसलिए बाद में नहीं धोई हूँ, एक एक पत्ते निकाल करके और अच्छे से पहले इसको धो लिया था इसके बाद काटा है। हल्दी पाउडर हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे इस तरीके से फिर से मिला लेंगे थोड़ा सा। अब इसे ढक करके फिर से रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इसे खोल करके फिर से चला लेंगे एक बार। अब डाल देंगे धनिया पाउडर। अब हम इसे फिर से ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसे खोल करके चला लेंगे। इसे पहले मैंने एक बार इसे खोल करके चलाया था। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला और इसे भी इस तरीके से चला लेंगे। गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में डालना है। अब डाल देंगे टमाटर और नमक, नमक स्वाद के अनुसार। नमक टमाटर के ऊपर इसलिए डालते हैं ताकि टमाटर जल्दी से नरम हो जाए। तो और इसे भी इस तरीके से मिला लें। अब हम इसे फिर ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, खोल करके हम इसे एक बार और चेक करेंगे। इससे पहले हमने इसको दो बार चला चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती जी। देखिए, हमारी पत्ता गोभी की सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी पत्ता गोभी की सब्जी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।